नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रमुख अपडेट के बारे में। तो आज का प्रमुख अपडेट यूपी ट्रिपल एससी को लेकर है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, ये यूट्यूब पर जितने भी लोग फॉलोवर हैं वो सब एक फैमिली है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, बाकी लाइक शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का प्रमुख अपडेट। तो यहाँ पर ये आपका है पूरा अपडेट, आरक्षण के नए फार्मूले से पेंच, पदों पर फिर से हो रहा यहाँ पर निर्धारण। समूह गा की यहाँ पर 7,000 से अधिक भर्ती आपकी फंसी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग एक बहुत ही बेकार आयोग है, जैसा कि मैं लगातार कहता हूँ, ये किसी काम का नहीं, बस बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला ये आयोग है, जो कि सोता रहता है और ना तो टाइम पे कोई पेपर कराता है, ना तो टाइम पर कुछ ही करवा पाता है। बस फर्जी का, यानी कि एकदम बैठे बैठे बस पैसा खा रहा है जनता के पैसों, जनता का जो पैसा है जो इनको मिलता है वेतन के रूप में, बस उसको ये डकार जाते हैं ले लेके। ठीक है, आरक्षण के नए फार्मूले से समूह गा की 7,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ फंसी हुई हैं। यूपी ट्रिपल एससी अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण कर रहा है, जिससे जल्द ही इनके भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन किया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह गा के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेज दिया है और केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने निःशक्तों को 3% के स्थान पर 4% आरक्षण दे दिया है। और किस श्रेणी का निःशक्त आरक्षण का हकदार होगा, इसकी भी स्थिति और स्पष्ट हो गई है कि पहले 5 श्रेणियों में यह हुआ करती थी, अब 19 में हो गया है। और इसी तरह राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को यहाँ पर 2% आरक्षण दे दिया है। यूपी ट्रिपल एससी को कई विभागों ने इसे फैसले के पहले भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेज दिया था, इसीलिए नए व्यवस्था के आधार पर आरक्षण का उल्लेख करते हुए विभागों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी कम पद वाले प्रस्ताव को तो अपने यहाँ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पर जो है उसे करा ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए 5,000 से अधिक इसमें जो है कनिष्ठ सहायक के पद खाली है। 5,000 से अधिक कौन से हैं, कनिष्ठ सहायक के पद आपके हैं। ठीक है, और भर्ती के लिए जल्द ही यहाँ पर आपके ये विज्ञापन निकलेगा। यहाँ पर जो आयोग के चेयरमैन हैं, तो पूर्व के आए प्रस्तावों को आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ठीक कराया जा रहा है और जल्द ही भर्तियों संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। यानी कि 2021 का पीटी पूरा खत्म होने वाला है, उसका वैलिडिटी ऐसा यहाँ पर सुनने में आया है कि उसका 3 महीने बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो केवल लेखपाल के अलावा इनसे कुछ हो नहीं पाया है पूरे जो है 1 साल। तो अभी आपका पेपर लगा है पीटी 2022 15-16 अक्टूबर को, उसको अच्छे से तैयारी करिए, उसको दीजिए। और वीडियो का एग्ज़ाम भी आपका होना है, उसके लिए जान लगा दीजिए पढ़ाई में, जो कि आपका ये पेपर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा नवंबर दिसंबर तक। तो समय आपके पास कम है, लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि पेपर आपका अगर बहुत अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको इन सब जो दुनिया भर का ये बॉन्डर है यूपी ट्रिपल एससी का, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत ही धीमा काम करता है और बहुत ही बेकार आयोग है, इससे कोई काम टाइम पर और ढंग से होता नहीं है, ये सोता रहता है और बच्चों का भविष्य बर्बाद करता रहता है। यहाँ तक धरना प्रदर्शन करोगे तब ये एग्ज़ाम का डेट देता है, इस तरह का तो ये आयोग है। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आप लोग अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे, जिससे कि मौका मिलते ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको इस तरह के जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं इस आयोग की वजह से, वो आपको ना उठाना पड़े। धन्यवाद।